कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चा में है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा है कि ये हीरा ना तो चुराया गया था और ना ही बलपूर्वक ले जाया गया था। भारत के कई लोग चाहते हैं कि कोहिनूर को वापस भारत में लाया जाए, लेकिन ये लोग कोहिनूर से जुड़े इतिहास को नहीं जानते, इसलिए ऐसी मांगे कर रहे हैं। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलेघन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना अपना दावा पेश किया है। क्या है ये कोहिनूर और क्यों इतना मशहूर है ये? इसको लेकर जब तब इतनी चर्चा क्यों होती रहती है? कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खनन क्षेत्र में निकला था कोहिनूर। मूल रूप में ये 793 कैरेट का था, अब यह 105.6 कैरेट का रह गया, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर के बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास की मिलती है, तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इसका जिक्र बाबर नामा में मिलता है। मुगल शासक बाबर की जीवनी के मुताबिक ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह ने अपनी सभी संपत्ति 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा जमाया और तब 186 कैरेट के रहे हीरे पर भी कब्जा जमा लिया, तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था। इसके बाद ये हीरा मुगलों के पास ही रहा। 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला किया। 1739 में उसने दिल्ली के तब के शासक मोहम्मद शाह को हरा कर उसे बंदी बना लिया और शाही खजाने को लूट लिया। इसमें बाबर हीरा भी था। इस हीरे का नाम नादिर शाह ने ही कोहिनूर रखा। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। 14 साल के शाहरुख मिर्जा की नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने काफी मदद की, तो शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। इसके बाद यह हीरा अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज सुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो कोहिनूर उसके पास था। पंजाब में सिख महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। तब महाराजा रंजीत सिंह को पता चला कि कोहिनूर सुजा के पास है, तो उन्होंने उसे हर तरह से मना कर 1813 में कोहिनूर हासिल कर लिया। रंजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनकी मौत के बाद हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह तक पहुंचा। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया। दिलीप सिंह ने लाहौर की संधि पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। कोहिनूर को लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में लाहौर से मुंबई लेकर आए और वहां से 6 अप्रैल 1850 को मुंबई से इसे लंदन के लिए भेज दिया। 3 जुलाई 1850 को इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। 38 दिनों में हीरे को शेप देने वाली सबसे मशहूर डच फर्म पोस्टर ने इसे नया अंदाज दिया। इसका वजन तब 108.93 कैरेट रह गया। यह रानी के ताज का हिस्सा बना। अब कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया था। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसकी मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, ये था कोहिनूर का पूरा इतिहास। अब जानिए कि कोहिनूर का मतलब क्या होता है। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिशापित है। कहती है कि यह हीरा जिसके पास भी रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह कर दिया। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह मौत के मुंह में चला गया। जिसके पास भी यह पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बुरी तरह से हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।